हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल। हमने बात की थी पीछे वीडियो में, जब फर्स्ट वीडियो में हम समझ रहे थे न्यूट्रिएंट्स को, कि प्लांट्स के अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह है, प्लांट को कहाँ से मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, प्लांट को मुंह से खाना तो खाता है नहीं, वो सारा जड़ों से ऑब्जर्व करता है और वो जो है पूरा पानी में घुला हुआ रहता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं। तो वो मिनरल्स प्लांट के अंदर आते कहाँ से हैं, और अगर उनकी कमी हो जाए, जैसे कि जमीन के अंदर से आते हैं, सोइल के अंदर से, तो लगातार यूज में आने के बाद सोइल के अंदर उनकी एक टाइम पे कमी हो जाती है, तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट किस तरह से होता है या किस तरह से किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना, बाय यूजिंग मैन्योर, यानी मिनरल्स की कमी अगर सोइल के अंदर हो जाती है तो हम क्या करें जिससे मिनरल्स की मात्रा सोइल के अंदर बढ़ जाए। तो बाय यूजिंग मैन्योर, यानी जो खाद है देसी, वो खाद ऐड कर दें हम मिट्टी के अंदर, तो मिनरल्स की जो है क्वांटिटी सोइल के अंदर वापस से बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट न्यूट्रिएंट्स का हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो है अपना वो है बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स होता है रासायनिक खाद जो कि सिंथेसाइज जो है मैन्योर होती है, ये जो है तैयार की जाती है, ये नेचुरल नहीं होती है या आर्टिफिशियल होती है, जो कि फैक्ट्री वगैरह में तैयार की जाती है। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं सोइल के अंदर, जिससे न्यूट्रिएंट्स की जो है क्वांटिटी बढ़ जाए सोइल के अंदर। और लास्ट पॉइंट जो है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने का, वो है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, यानी कि अगर हम फसल को बदल बदल कर उगाए जमीन के ऊपर, तो उससे भी क्या होती है सोइल की या मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी एक तरह से उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो है मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो ये तीन जो है पॉइंट अपन ने पढ़े कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट किस तरह से किया जा सकता है, बाकी का जो है मैटर वो हम पढ़ेंगे डिटेल में बुक रीडिंग के माध्यम से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको रीड करते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो हमने पढ़ लिया था कि सेफ्रोट्रोप्स जो टाइप था प्लांट्स का, वहां तक रीड किया था, और अदर कुछ टाइप है जिस उनको रीड करते हैं। तो इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये पैरासाइट से थोड़ा सा हटके हैं, कि पैरासाइट में क्या होता है कि जैसे डॉटर प्लांट होता है, किसी प्लांट के ऊपर चिपका हुआ रहता है, तो उसी से न्यूट्रिशन जो है लेता है, उसको कुछ नहीं लेता बदले में। लेकिन एक अलग तरह का न्यूट्रिशन ये होता है जिसमें क्या चलता है, वर्क टुगेदर होता है एक दूसरे के लिए, जैसे कि अगर डॉटर किसी के प्लांट के ऊपर रहता है तो वो उससे फूड लेता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ करे वो। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, एल्गा विच इज एन ऑटोट्रॉफ एंड फंगस विच इज सेफ्रोफाइट लिव टुगेदर इन लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का, जिसमें एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर फंगस लगी हुई रहती है, जो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो क्या करते हैं, इसमें जो एल्गी है वो, सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं लाइकेन, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग वाटर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। क्योंकि एल्गी जो होती है, एल्गा, इसके अंदर क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है और इससे फंगस और क्या ले लेता है, फूड ले लेता है। लेकिन फंगस बदले में क्या देता है एल्गा को,
सरफेस शेल्टर प्रोवाइड कराता है, यानी कि वो साथ ही साथ मिनरल और वाटर भी एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गा को देता है। तो इस तरह से ये दोनों वर्क टुगेदर करते हैं, सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस तरह की रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर का वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस इन द सोइल, कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है प्लांट्स जो है सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सोइल में कभी ना कभी तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है कम पड़ते होंगे, कमी हो जाती होगी, खत्म हो जाते होंगे। तो फिर हमने तो नहीं सुना कि जो है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो गए, तो इनका रिप्लेसमेंट चलता रहता है। तो ये रिप्लेसमेंट कहाँ कहाँ से किस तरह से होता है इसको रीड करते हैं। प्लांट्स अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, ये सबको पता है कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द सोइल। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो लगातार ये अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चलती रहती है, तो सोइल के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कमी होती ही है। इन ए फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरल रिप्लेस्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंगल की बात करें तो वहां पे खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह है या जानवरों का डंग वगैरह है, उससे क्या होते रहते हैं मिट्टी की जो है जो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो चार्ज होती रहती है, रिप्लेस होती रहती है। हाउएवर ऑन ए फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अगर खेतों की बात करें तो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो फार्मर जो है क्या करते हैं मैन्योर यानी देसी खाद ऐड करते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, तो सोइल की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, यानी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई थी वो वापस से रिचार्ज हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है। इफ क्रॉप्स और प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सोइल विल बिकम पुअर इन सच न्यूट्रिएंट्स, अगर एक ही जो है मिट्टी का एक ही जो है जमीन का टुकड़ा है या तो उस मिट्टी में लगातार अगर एक साल दो साल लगातार जो एक ही टाइप की फसल उगाते रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उस मिट्टी के अंदर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स, अगर बात करें मेन कंपोनेंट्स की मेन न्यूट्रिएंट्स की तो यही होते पांच जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, ये मिट्टी में मेन होते हैं, इनको प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। इन एडिशन टू दीज प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन कॉपर मैग्नीज एंड जिंक एटसेट्रा, ये तो मेन होते हैं, इनके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और उनमें कुछ मिनरल्स हैं जैसे आयरन है कॉपर है मैग्नीज है जिंक है, इनकी भी जरूरत प्लांट्स को पड़ती है। व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स, जब अगर सोइल की जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है फर्टिलिटी रेट और क्रॉप यील्ड जो है फेल हो जाती है, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, अगर जो सोइल है वो बंजर हो गई है या उसमें फसल की उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम हो गई है तब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने की जरूरत होती ही है। This is done by one or more of the following method. ये कुछ मेथड है जिनके माध्यम से जो है मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो बाय यूजिंग मैन्योर, यानी कि देसी खाद अगर ऐड करें मिट्टी के अंदर तो उसकी खोई हुई जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वापस आ सकती है, साथ ही साथ बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें तो उससे भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। थर्ड है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, कि क्रॉप जो अपन ग्रो करें उगा रहे हैं उसको रोटेशन में उगाएं, जैसे एक बार किसी खेत में अगर गवार की खेती की है तो नेक्स्ट टाइम गवार नहीं उगा के उसमें बाजरा उगा दिया, या एक बार चने उगाए तो नेक्स्ट टाइम उसमें गेहूं उगा दिया, इस तरह से फसल को रोटेशन में उगाएं तो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बनी रहती है। यूजुअली प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, नाइट्रोजन इन द सोइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग मैन्योर और स्टैंड्स क्लियरिंग फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, ये फर्टिलाइजर और मैन्योर के साथ साथ क्या किया जाए साथ ही साथ अगर स्लरी फ्रॉम द बायोगैस, अगर बायोगैस का प्लांट कहीं पर लगा हुआ है तो उसमें से जो स्लरी लास्ट में बनती है उसको अगर मिट्टी में ऐड करें तो भी मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो है
इसमें रिप्लेस हो जाते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा, अगर साथ ही साथ नाइट्रोजन से बने हुए फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, इनको अगर ऐड करें सोइल के अंदर तो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वापस से बढ़ जाती है, रिप्लेस हो जाती है। माइक्रोब रोटेशन मेथड द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू ए लेग्यूमिनस क्रॉप, और सबसे अच्छा तरीका ये क्रॉप रोटेशन मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, एक बार जो है लेग्यूमिनस टाइप के पौधों को उगाया जाता है और नेक्स्ट टाइम नॉन लेग्यूमिनस टाइप के पौधों को जो है उगाया जाता है। ग्रेन, पीस, मूंग, बीन्स एटसेट्रा आर लेग्यूमिनस, ये कुछ नाम बताए मैंने, जैसे चना है, मटर है, मूंग है ना, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस टाइप के पौधे होते हैं। द रूट्स ऑफ दिस क्रॉप एंड नोड्यूल्स ऑन देम, जो इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि गांठें होती हैं। दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और इन नोड्यूल्स के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया जो राइजोबियम वर्ग के होते हैं, राइजोबियम गिव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, और ये राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रेट और नाइट्रेट राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों जो है पानी में सोल्यूबल है, और अगर उनको पानी के साथ ऐड कर दें तो प्लांट्स की जड़ें हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेगी। प्लस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट की रूट्स के ऊपर रहता है और वहां से फूड लेता है। Therefore, lives in the root of leguminous plant like gram, peas, and moong, where it is get food and shelter. वहाँ पे ये रहने की जगह भी इसको मिलती है और वहाँ से फूड भी ये लेता है। तो ये चैप्टर के टॉपिक्स को हमने रीड किया। अब लास्ट में जो माइंड मैप दे रखा है, जिसमें चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, चैप्टर का नाम है जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर जो है या जितने भी एनिमल उनके अंदर ग्रोथ रहेगा होता, तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में आती प्लांट, क्योंकि वो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट हमने ये भी पढ़ा जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, और साथ ही साथ क्लोरोफिल और एनर्जी के लिए सनलाइट, और फिर रिएक्शन होती है कंप्लीट तो प्रोडक्ट बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फिर ग्लूकोज के रूप में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और वो ऑक्सीजन गैस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। अब प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों तरह का ही होता है। हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी के जो होते हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉप हम इनको ही कहते हैं जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते दूसरों से लेके, तो जितने भी एनिमल हैं वो और साथ ही साथ नॉन ग्रीन प्लांट हैं वो सबके साथ हेटरोट्रॉपिक, सबके सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन किन में होता है, जितने भी लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और कुछ लास्ट में जो हमने पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इंसेक्टिवरस टाइप के प्लांट जो थे, और साथ ही साथ सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक टाइप के प्लांट। तो इस तरह से हमने चैप्टर को रीडिंग के माध्यम से भी पूरा समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।